तो हेलो दोस्तों, मैं हफीज और आप देख रहे हैं हफीज की दुनिया। दोस्तों अभी अभी मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के क्विक के चैनल की तरफ से गुमराह नाम की एक वेब सीरीज देख रहा था और अभी तक इसके सिर्फ 4 एपिसोड्स आए हैं और हर एपिसोड लगभग 12 मिनट के हैं। और दोस्तों जब इसका मैंने पहला एपिसोड देखा था तो मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि जब इसका पहला एपिसोड मैंने देखा और मैंने करण पटेल को देखा तो मैं समझ गया डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने फिर से हम सबके साथ चीटिंग की है। और दोस्तों 2012 में चैनल वी पे एक शो आता था इसी नाम से, गुमराह एंड ऑफ इनोसेंस। भाई उस शो का फुल टू कॉपी करके एडिट वेडिट करके हमें फिर से दिखाया जा रहा है। इस वेब सीरीज के एपिसोड्स को देख के मुझे कुछ नयापन तो नहीं बल्कि पुरानी यादें जरूर ताजा हो गई हैं। और दोस्तों बेसिकली बात करें अगर गुमराह नाम के वेब सीरीज की, तो जो लोग इस वेब सीरीज को नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये वेब सीरीज क्राइम पेट्रोल से मिलती जुलती है, जहां इसके हर एपिसोड्स में नई कहानी दिखाई जाती है और मेन फोकस यंगस्टर पे किया जाता है, जहां मेनली टारगेट गर्ल्स को किया जाता है और उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट और अत्याचार किए जाते हैं और फिर वो थक हार के मर्डर या क्राइम करने पे गुमराह हो जाती हैं। और दोस्तों बेसिकली पूरे वेब सीरीज में हमें अलग अलग स्टोरीज दिखाई देने वाली हैं और अगर डिज्नी हॉटस्टार ने चाहा तो आगे चल के हमें इनके एपिसोड्स में बड़े बड़े कलाकार भी देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है, क्योंकि 45 मिनट के एपिसोड्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार 12 मिनट में कैसे दिखाता है भाई अब वही जानते हैं। और भाई जो ऑडियंस इस शो के लिए बिल्कुल नहीं है उनके सर के ऊपर से ये शो निकलता हुआ नजर आएगा। और लोग गुमराह नाम के वेब सीरीज को मैं दूंगा 2.8 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मुझे इसमें कुछ नया नहीं लगा, हाँ कॉपी पेस्ट जरूर लगा। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।